पीटीआई के रहनुमा हलीम अली शेख को हाईकोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद बताइएगा। जी देखिए, आज सुबह हलीम अली शेख जो कि पीटीआई सूबे सेंट के सदर भी हैं, हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उनका कहना था कि उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट से हिफाजत जमानत हासिल कर ली है और बाकी जो मुकदमा जिसमें सिंध हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से रोका था उस हवाले से उनको रुजू करना है कि उनको खदशा है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आज अदालत में उनके वकला का कहना यह था कि हलीम अली शेख के खिलाफ हैदराबाद में एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें उनको गिरफ्तारी का खर्चा है, जिस पर अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की। तहम वो अदालत में मौजूद रहे, उनका कहना यह था कि इस वक्त हाईकोर्ट में पुलिस की भारी नफरी है और उनको खदशा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तहम पुलिस नफरी कुछ देर के बाद हाईकोर्ट के आते से हटा ली गई थी। तहम जब हलीम अली शेख हाईकोर्ट के आते से बाहर निकले तो पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और मोबाइल उठा के नामालूम मुकाम की तरफ उनको मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है सर, शमील अहमद आपसे इस पे मजीद भी अपडेट लेंगे। आपको बताएंगे पीटीआई के रहनुमा हलीम अली शेख को हाईकोर्ट के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शमील अहमद, आपने अपडेट किया।